हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉलर आई डी एंड स्पैम का। आपको श्री कॉलर एंड स्पैम आई डी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी यहाँ से आपको यहाँ पे ट्रू कॉलर की जगह पे काम करता है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे बैक होना है। बैक होने के बाद में सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लॉक नंबर्स का। ब्लॉक नंबर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको अनोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड ए नंबर का। ऐड ए नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग पे क्लिक करके कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने फ़ोन में एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का। कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, आपको इसे ऑन करना है। यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्टेड नंबर का। सिलेक्टेड नंबर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से करने के बाद में अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो चूज़ ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले ऑप्शन का। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको स्टोर बाय नेम फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड एंड वर्जन का। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप बहुत ही सिंपल तरह से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको वॉइस मेल का। वॉइस मेल पे क्लिक करना है। वॉइस मेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप उसको यहाँ से वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिप टू साइलेंस का, आपको यहाँ से ऑन करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये थी हमारी कॉल सेटिंग। बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।